नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 8 दिसंबर। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब बहुत सारी भर्तियां निकल रही है और बहुत सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको पढ़ते रहना है और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि रोजाना आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शहरों में कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाने की योजना बनाई है। तो इसका सही जवाब है 40 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर विचार कर रही है, जिसके चलते उन्होंने 40 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है। दोस्तों प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक डेडिकेट स्वास्थ्य टीम होगी, जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एक नर्स और एक एमटीएस स्टाफ का कर्मचारी शामिल होगा। दोस्तों प्रदेश सरकार का मानना है कि अगर किसी मरीज को प्राइमरी लेवल पे ही बढ़िया हेल्थ सर्विसेज मिल जाए तो उसे दूसरी और तीसरी स्टेज पर पहुंचने से रोका जा सकता है, जिससे प्रदेश सरकार का खर्च भी कम होगा और लोगों की सेहत में भी सुधार आएगा। दोस्तों हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग 50,000 व्यक्तियों की स्वास्थ्य की जिम्मेवारी है, परंतु नए 40 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाने के बाद ये संख्या 20,000 हो जाएगी, जिस वजह से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के किन अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की मशीनें स्थापित करने जा रही है। तो इसका सही जवाब है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना में। दोस्तों प्रदेश सरकार ने इस साल के बजट में चिकित्सा क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था, जिसके चलते शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी विभाग स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना जो कि शिमला में है, वहां पे रोबोटिक सर्जरी की मशीनें स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दोस्तों रोबोटिक सर्जरी हेल्थ के क्षेत्र में एक बेहतरीन तकनीक है, जिसमें एक डॉक्टर रोबोट की मदद से ऑपरेशन करता है और एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की मदद से सारे सर्जिकल प्रोसीजर को एग्जीक्यूट किया जाता है। इस सर्जरी का फायदा ये होता है कि ये सर्जरी नॉर्मली कम पेनफुल होती है और पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। इसके अलावा जिस ऑपरेशन को नॉर्मली 6 से 7 टीम मेंबर्स के द्वारा 3 से 4 घंटों में किया जाता है, रोबोटिक्स की मदद से उसी ऑपरेशन को 2 से 3 मेंबर्स की टीम द्वारा 1 से 1.5 घंटे में किया जा सकेगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी खरीदारी के लिए हिमाचल स्वास्थ्य सेवा निगम बोर्ड का गठन भी किया है, जो कि प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में यूज होने वाले सामान की खरीदारी और उनको सप्लाई पहुँचाने का काम करेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो की है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस शैक्षणिक संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से नवाजा गया। तो इसका सही जवाब है IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी को। दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुए यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 में हिमाचल प्रदेश के IIT मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से नवाजा गया, जो कि ग्रीन मेंटोर्स संस्था द्वारा दिया गया। IIT मंडी को यह अवार्ड पर्यावरण संबंधी किए जा रहे कामों को देखते हुए दिया गया। दोस्तों ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड ग्रीन मेंटोर्स संस्था की एक पहल है, जो कि वर्ल्ड लेवल पर पर्यावरण संबंधी काम करने वाली यूनिवर्सिटीज को प्रदान किया जाता है। अगर बात की जाए ग्रीन मेंटोर्स की, तो दोस्तों यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंटल एजुकेशन, अवेयरनेस और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने का काम करती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।